अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 12 रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका हमने सेंटर और रेडियस निकालना है, लेकिन हमें इक्वेशन दी गई है 6x² + 6y² - 18y = 0। आपको पता है कि हमारी जनरल फॉर्म होती है x² + y² + 2gx + 2fy, तो उसमें x² + y² 1 होने चाहिए। यहाँ पर तो 6x² है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6x² के साथ सबको डिवाइड करते हुए x² और y² को 1 बनाना है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि जी 6x² / 6y² / 6 कर दें और -18y / 6 = 0/6, यानी हमने जो है यहाँ पर बोथ साइड पर 6 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये कटिंग हो गई 6 की साथ जो है वो 6 की 6 3 18 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा x² + y² - 3y = 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा x² और y² की एक तो वैल्यू 1 हो गई है और दूसरी ये क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म को रखते हुए e की, f की और c की वैल्यू निकाल ली है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल फॉर्म, फिर उसके साथ अपने इस क्वेश्चन का कंपेरिजन करेंगे। हमारी जनरल फॉर्म होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख में देता हूँ जनरल फॉर्म, तो ये हमारी है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हम अपना क्वेश्चन रखते हैं कि हमारा x² + y² सिर्फ मैच करता है, प्लस जीरो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर एक्स यू जी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और एफ की वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास माइनस में 3 है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 2f की जगह पर -3 आ जाएगा और साथ y आ जाएगा, और उसके साथ ही प्लस 0 आपके पास c की वैल्यू भी मौजूद नहीं है आपके सवाल के अंदर, और इक्वल टू भी 0 ही होगा। तो इसमें से अब आपको जो 3 वैल्यूज निकालनी है, जिसमें 2g = आपका 0 हो जाएगा और 2f जो है वो इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे -3, जबकि c = आपका हो जाएगा 0। तीनों वैल्यूज की बेस पर आपने सेंटर और रेडियस निकालना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2g = 0 किया तो g की वैल्यू 0/2 करने से भी 0 ही रहेगी, यानी g की वैल्यू क्या आ गई, 0। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर 2f = -3 है, तो f की वैल्यू होगी -3/2, जबकि c की वैल्यू जो है वो हमारी 0 के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास g की, f की और c की तीनों वैल्यूज को हमने सोल्व करना है, पुट करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दो फॉर्मूलाज और आपने याद रखने हैं, सेंटर का और रेडियस का। सेंटर का फॉर्मूला इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग -g और -f होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका r = ये हो गया g² + f² - c² √। तो यहाँ पर अब मैं जो है ना इन तीनों की जी एफ सी की वैल्यू जहां जहां पे आएगी वैल्यूज पुट करूंगा, जैसे पहले वाले में मैं पुट कर रहा हूँ माइनस में और ये 0 है, और f की वैल्यू भी माइनस है और खुद वो -3/2 है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रैकेट दूसरी लगा देता हूँ ताकि ये अलहदा हो जाए, फिर ये हमारे पास 0 माइनस वाला 0 ही रहता है और ये प्लस में 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास h और k के हवाले से -g और -f अब सेंटर होता है जनरल फॉर्म। ये सेंटर आ गया हमारे पास, अब हमने निकालना है इसका रेडियस। तो g की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ से देख सकते हैं आप 0² प्लस f की वैल्यू क्या है, -3/2, तो ये -3/2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू 3/2 जो है ये माइनस f की वैल्यू है, जरा फॉर्मूले में भी आप देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और प्लस में माइनस में बल्कि आपके पास 0 होता है, c की वैल्यू जो है -c, तो 0 आ गया। बस ये दोनों 0 खत्म हो जाएंगे आपके और माइनस में वैल्यू रहने वाली है, यानी आपने यहाँ पर देखा कि -3/2 का स्क्वायर ही बचता है, क्योंकि प्लस करने के बाद भी ये पॉजिटिव रहेगा आपके पास, ठीक है। आंसर में वैसे मैं देख लेता हूँ, इसका रेडियस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, स्क्वायर कैंसिल किया या पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, देखते हैं जी। रेडियस पॉजिटिव ही रहेगा, उसकी वजह ये है कि इसको किया क्या हुआ, देखें माइनस माइनस प्लस किया, 3 3 9 2 2 4, और फिर दोबारा अगेन जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो
नाइन का स्क्वायर, नाइन थ्री डिवाइड बाय टू कर लें और स्क्वायर में, और फिर अब आप स्क्वायर कैंसिल करें तो आपका थ्री ओवर टू रेडियस आ गया, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। तो आपके पास यहाँ पर जो इसका आंसर के मुताबिक जो आपका सेंटर होगा वो जीरो और थ्री ओवर टू है, और जो आपका रेडियस की वैल्यू है वो थ्री डिवाइड बाई टू ही है। यहाँ पे वैसे भी आपको वो बता भी रहा है यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से जीरो और थ्री ओवर ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो है वो सेवन कह रहे थे, जीरो और थ्री ओवर टू हमारा सेंटर है, माइनस यू और माइनस एफ की वैल्यू, और रेडियस जो है वो थ्री ओवर टू है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।